में गई है और पंजाब के लोगों ने उसको रोक करके माफी मांगने के लिए कहा तो ठीक कहा है जो हमारी तरफ को आंख उठाओगा उसे उससे वैसा ही जवाब दिया जाएगा अगर कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा कोई गोली मारेगा तो उसका उसके हिसाब से देख लेंगे जैसा जवाब कैसे, कैसे, दे... कैसे देख लेंगे जैसा जवाब दे कैसे देख मारेगा जब संविधान को नहीं मानते क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है क्या? और संविधान उसे इजाजत देता है तो फिर वो क्यों नहीं अंदर उसे गलत ठहरा रहे तो आप भी गलत तो क्यों नहीं डालते अंदर और हमें गाली देने के लिए ताकि हम भड़के हमें गुस्सा आए हम हिंसा करें और सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ दे ये हम बहुत जानते हैं जिस स्कूल में मोदी पढ़ा है उसके हमारे यहाँ बुजुर्ग जो प्रिंसिपल रह लिए तो अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पंजाब से कंगना रनौत जो लगातार एक के बाद एक ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर करती रही हैं और उन आ, उन पर जो है विवाद होता रहा है लेकिन अभी खबर यह है कि कंगना रनौत का काफिला पंजाब में रोका गया है पंजाब में उनका कहना है कि उन्होंने ट्वीट उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जिसमें जानकारी दी कि उनके काफिलों को जिन लोगों ने रोका गया है वो अपने आप को किसान बता रहे हैं और वो ये मांग कर रहे थे कंगना रनौत से कि अब आप कार से बाहर निकलिए और माफी मांगिए क्योंकि आपने किसानों पर जो भद्दी टिप्पणियां की हैं उनसे माफी मांगी है खासकर पंजाब की और इस आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं से माफी मांगी है जिनको आपने सौ सौ रुपए पर बिकवी हुई महिलाएं बताया था ये सारी बात जो है वो खबरों में छपी है ये खबर सामने आ रही है कि कंगना रनौत जो है कहीं जा रही थी और उनका काफिला पंजाब में रोका गया है अब गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं किसानों से हम बात करते हैं ताऊ जी आ, कंगना रनौत का काफिला रोका गया ये तो आपको पता ही है कि इससे पहले जो है कंगना रनौत बहुत सारे ट्वीट बहुत सारी पोस्ट इस आंदोलन को लेकर भी करती रही हैं बोलती रही हैं जिसकी आलोचना काफी हुई है अब ऐसे में उनका काफिला रोकना क्या सही है देखिए अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं अपने घर के आगे से आपको निकलने दूंगा बताइए उसकी शिकायत करेंगे ना है? आप उसकी शिकायत करेंगे हाँ तो खुद फैसला करेंगे नहीं नहीं हमने कोई मारने पीटने की बात थोड़ा ही की है विरोध तो मैं करूंगा है तो अगर वो पंजाब में गई है और पंजाब के लोगों ने उसको रोक करके माफी मांगने के लिए कहा तो ठीक कहा है ठीक हाँ, आप कहा आपको कहा बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते वहाँ पर उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ नहीं होती तो वो मोबलिंचिंग का शिकार हो जाती है ऐसा उनका मानना है तो क्या आप उसको जायज ठहराएंगे क्यों कोई हम 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 हत्यारे हैं हमने किसकी हत्या की है और एक चीज बताइए तुम्हारे पास सिक्योरिटी है तो तुम हमारे घर पे चढ़ाई करोगे तुम हमारे घर पे चढ़ाई करोगे गाड़ी दे के गाली दे के ये किसान है स्वाभिमानी कौम है इनके दो शब्द नहीं कहे थे वो तो पंजाब के ही हैं सनी दियोल वगैरह उनकी शूटिंग नहीं होने दी थी इन्होंने ये वे लोग हैं तो ये ऐसे नहीं मानते तो ये जवाब देंगे क्यों रास्ते में रोक लगे रास्ते में हमें क्यों रोक लें हमें रोक क्यों रोक, रोक, रो? रोक लें क्यों राकेश टिकेत जी वहां गए थे राजस्थान वहां किसने विरोध किया था इनका ये तो किसान नेता थे किसने किया था काले झंडे वगैरह दिखाने की कोशिश की गई थी उसे पुलिस ने पकड़ा भी था फिर हम ही ने छुड़वाया था राकेश टिकेट जी ने कहा था नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि यह भी आंदोलनकारी है देखिए ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और भारत का संविधान भी कहता है शांतिपूर्वक विरोध करने का आपको अधिकार है तो शांतिपूर्वक विरोध था आप मोम बिलिंचिंग पलिंचिंग क्या हो यो यो कैसे बता दी हम कोई हत्यारे हैं बताइए हमने किसकी तरफ तेरहवा महीना चल रहा है दूसरा साल एक बार बता दो किसी मेरे किसान ने किसी पे हाथ उठाया हो हमारे किसानों पर लाठी बरसी गोली बरसी पानी की बौछारे आंसू गैस के गोरे सर फूटे हमारी बहनों माताओं बहनों के सर फूटे, मुझे बता दो मेरे किसान ने किसी ने हाथ उठाया हो तो आपने कैसे ये शब्द यूज कर दिया भाई ये सब तो वो खुद यूज कर रही है ना कंगना रनौत अरे यारो वो ऐसी लेडीज है कि उसको तो मिनट से पहले तिहाड़ के अंदर डाल देना चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई भारत सरकार से है वो भारत सरकार में मंत्री नहीं वो कोई सांसद नहीं वो बीजेपी की कोई पदाधिकारी पदा नहीं तो वो पंगा क्यों ले रही और जिस जिसने किसान से पंगा लिया है किसान बकस्ता ना ये ध्यान रख लेना अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक एफ भी दर्ज कराई थी जब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली उन्होंने खुद इस बारे में कहा कि मुझे मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही हैं इतनी बड़ी सुरक्षा ले रही क्यों मार रहा हो कौन मार देगा हम सरकार से टक्कर ले रहे हमें रोज धमकियां मिले हमें तो ना दी किसी ने सुरक्षा और क्या करेंगे सुरक्षा लेके जब मैं खुद पैदल चलू सुरक्षाकर्मी और बेचारे पैदल पैदल चलेंगे अगर ऐसे डरते हो तो फिर क्यों कहते हो अरे सरकार तुम्हारी चाटुकार तुम सरकार के फिर तुम्हें डर क्यों लग रहा और जब तुम अपने देश में डर रहे हो तो फिर यहां रह क्यों रहे हो चले जाओ पाकिस्तान तो इसी अब मैं भेजूंगा इन्हें पाकिस्तान अरे डर नहीं जिसको भारत में डर लग रहा हो जाय पाकिस्तान अब हम कहेंगे अब हम कहेंगे वरना आप घेरेंगे क्या वरना आप घेरेंगे अगर कोई हमारी तरफ को आंख उठा के देखेगा आंख काट के गोटी खेल देंगे उसकी ये ध्यान रख लेना आप तो अहिंसा के पुजारी की बात अहिंसा है या अहिंसा है अहिंसा आंख से गोटी खेलना हाँ गोटी खेलना ये कहावत है अरे कहावत भी किस परिपेक्ष में आप दे रहे हैं ये तो पता क्या है ना अच्छा कोई कुछ कहेगा तो हम आंख अच्छा कर लेंगे तू तो गाली दियो जा अरे मैं तेरी आरती तारू बता देना हमारे यहाँ अहिंसात्मक लोग भी हैं और क्रांतिकारी लोग भी हैं क्रांतिकारी हम, मतलब, हम गांधी क्रांतिकारी का मतलब आंख निकाल के गोटी खेलना नहीं होता है। हम गांधी जी के भी पुजारी है हम भगत सिंह के भी वंशज हैं हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं हम अश्पाक उल्ला के भी वंशज हैं बता देना हम ना अब इस चीज को देखेंगे जो हमारी तरफ को आंख उठाओगा उसे उससे वैसा ही जवाब दिया जाएगा अगर कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा कोई गोली मारेगा तो उसका उसके तो हिसाब से देख लेंगे जैसा जवाब कैसे, तो कैसे देख लेंगे जैसा जवाब दे जब तो कैसे देख जब ले? मारेगा संविधान संविधान को नहीं मानते क्या इस बात की इजाजत देता है क्या और संविधान उसे इजाजत देता है तो फिर वो क्यों नहीं अंदर उसे गलत ठहरा रहे तो तो आप भी गलत क्यों नहीं डालते अंदर इसका मतलब इसका मतलब आपने प्रायोजित कर रखा है किसान को बदनाम कराने के लिए प्रायोजित कैसे हो गया इसमें क्यों वो हमें गाली दे रही है ठीक है आपने ये, वो आ, हमें गाली दे रही है जवाब देने की बात कर रहे हैं ना तो आप तो ये कहते हैं ना हम संविधान को मानने वाले हैं और माने है? तो संविधान को मान के तो तो संविधान ये इजाजत देता है लोग तो चाटे ना लग जाते संविधान अभी तो था दूर था। से खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं अभी तो उससे कह रहे हैं की माफी मांग ले तभी तो कह रहे हैं और अगर संविधान को नहीं मानते तो ईट का जवाब पत्थर से नहीं दे देते वही आप कह रहे हैं कि हम पत्थर से देंगे अरे मैंने बताया तुम्हें कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो हमें मत छेड़ो कहीं ऐसा ना हो हमारा धैर्य टूट जाए मतलब आपकी अगर कोई आलोचना करेगा तो आप उसको सड़क मैंने रोक लेंगे आ, आलोचना क्यों करेगा मेरा क्यों नहीं कर सकते? क्या मेरा... वास्ता उसका मेरे से अरे? किसान से क्या वास्ता उसका आपकी कोई बात सुन। नहीं लग रही देखो मेरी लड़ाई सरकार से है आलोचना का अधिकार तो सबको पूरी बात सुनो पूरी बात सुनो मेरी लड़ाई सरकार से है मुझे परेशानी है मैं सरकार से लड़ रहा हूँ आपको परेशानी मेरे से है तो तुम्हें मेरे से लड़ने का अधिकार नहीं है तुम भी सरकार से लड़ो कि इनको मारो पीटो गोली मारो तोप लगाओ रफेल से घोड़े बरसा के मार दो किसानों को यही बात तो वो कर रही है तो उनसे क्या बात तो सरकार से वो कर रही है कि किसानों की किसान है ही नहीं इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है क्या हाँ? आपसे थोड़ी ना आगे डायरेक्ट कर आप जा रहे हैं रोकने मैं सर्टिफिकेट मैं वो कौन है जो मेरे से सर्टिफिकेट लेगी हाँ? इस बात का वो सरकार से कहे हाँ? हमारे बारे में ना कहे तो ये बात सरकार ऐसी लागू लागू होती है क्या ये बात तो आप पर अगर आप, आपको लग रहा है की ये लेडी गलत है तो आप उसे मारने जाओगे या आप सरकार से कहोगे इस पर कार्रवाई हम तो की? सरकार से कह रहे थे हमने दे? सरकार से कहा है कि ये कौन है जिसको तुमने जेड प्लस की सुरक्षा दे रखी है इसका देश में क्या कंट्रीब्यूशन है जो आपने इसे पद्म श्री दे दिया है हुँ. और ये हमें क्यों भद्दी भद्दी गालियां दे रही है इसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेजो हम सरकार से कह रहे हैं कहा हमने सरकार से और सुनो सुनो सरकार क्यों नहीं पकड़ रही क्यों कि सरकार द्वारा प्रायोजित है और हमें गाली देने के लिए ताकि हम भड़कें, हमें गुस्सा आए हम हिंसा करें और सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ दे ये हम बहुत जानते हैं जिस स्कूल में मोदी पढ़ा उसके हमारे यहाँ बुजुर्ग जो प्रिंसिपल रह लिए ये ध्यान रखना अब वे वाले बुजुर्ग नहीं है हमारे ठाकर लठ दैर देते खोपरी में अब ना देने के अब कानून से मार देंगे हम अभी कभी कानून की बात कर रहे हैं वो तो तुझे वो तो तुझे एक ट्रेलर दिखाया था हाँ, हाँ, पत्रकार पत्रकार वो देखो सोचेगा ताऊ ताऊ गया हाँ, नहीं? हाँ, कभी नहीं भड़केगा ये तो पुरानी कहावत सुनाई थी तुझे। हाँ, हम तो अहिंसा के पुजारी थे और अगर अहिंसा के पुजारी ना होते तो ये ग्यारह महीने से जो तेरह महीने से जो आंदोलन चल रहा है ये कभी का टूट चुका होता ये देश की जनता का शुक्रिया करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जत्थेदारों की वो बात सुनते हैं वरना इस आंदोलन में बहुत क्रांतिकारी हैं जो कहते थे कि बैठ के क्या करोगे करो चढ़ाई दिल्ली पे हम उनसे कहते थे धैर्य रखो अहिंसा के आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है और उस अहिंसा के आंदोलन ने पहला रिजल्ट दे दिया आपको कि जिसे आप ताना साह कहते थे, आप कहते थे जिसे आप कहते थे छप्पन इंच की छाती वाला जिसे आप कहते थे आज तक वो पीछे नहीं हटा हमने तो सड़क पे बैठे हमने तो कुछ करा ही नहीं अपने आप आया अपने आप हटा अपने आप बोला और अपने आप बोला हमें किसान माना जो आंदोलनजीवी आंदोलन जीवी थे उन्हें किसान माना अपने आप बोला जिन्हें परजीवी कहा था उन्हें किसान कहा है जिन्हें नक्सली कहा था किसान कहा जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था उन्हें किसान कहा तो इसे कहते हैं थूक कर चाटना नहीं आंदोलन का नाम ही अहिंसावादी हो तभी वो आंदोलन होगा कितना अगर, अगर आंदोलन में हिंसा आ जाएगी तो वो आंदोलन कहाँ से रहेगा और ने ने शायद आपकी जीत इसी वजह से देखिए आंदोलन जब हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उसमें भी कई तरह के लोग थे गांधी जी अहिंसा का आंदोलन चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी की अपनी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो वो अपने तरीके से चला रहे थे तो वहाँ सब अलग अलग तरीके के थे उसमें क्रांतिकारी भी थे उसमें अहिंसात्मक भी थे और वो लड़ा सबने अपने अपने तरीके से और जीते और हमारे आंदोलन में अहिंसात्मक है क्योंकि अब मॉडर्न तरीके का आंदोलन है तो इसमें ट्विटर का कमाल चलता है सोशल मीडिया का कमाल चलता है